नमस्कार मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे एंटीथायरॉयड एंटीबॉडीज के ऊपर। ये एंटीथायरॉयड एंटीबॉडीज क्या होती हैं, क्या शरीर के लिए नुकसानदायक हैं, किन पेशेंट्स में पाई जाती हैं, हम किस प्रकार से इनका इलाज कर सकते हैं, थायराइड के ऊपर इनका क्या फर्क प्रभाव पड़ता है, आज इन सब चीज़ों की चर्चा हम करेंगे। सबसे पहले ये हमारे सामने पेशेंट बैठी हुई हैं, इनकी उम्र कुल 24 साल है और उन्होंने अपनी रिपोर्ट कराई है और इनकी रिपोर्ट के अंदर जो एंटीथायरॉयड एंटीबॉडीज़ हैं उनका लेवल जो है वो 1300 से ज़्यादा आया हुआ है और इनका जो T3, T4 और TSH है वो नॉर्मल है। आइए देखते हैं इनकी रिपोर्ट। ये जो एंटीथायरॉयड एंटीबॉडीज़ होती हैं ये कई नामों से जाना जाता है। इनको हम एंटीथायरॉयड परऑक्सीडेज एंटीबॉडीज़ भी बोलते हैं, इनको हम एंटी माइक्रोसोमल एंटीबॉडीज़ भी बोलते हैं और इनको साधारण भाषा में एंटीथायरॉयड एंटीबॉडीज़ भी बोलते हैं। और ये एंटीथायरॉयड बॉडीज़ बनती क्यों हैं कुछ लोगों के अंदर, देखिए हमारी जो थायरॉयड ग्लैंड होती है, मैंने बताया कि आपको पहले मालूम होगा कि यहाँ पर थायरॉयड ग्लैंड होती है गले के अंदर, जो कि बटरफ्लाई शेप्ड होती है, जिसका काम होता है T3 और T4 पैदा करना। हार्मोन्स होते हैं T3 के और T4, और ये दोनों हार्मोन्स जो है शरीर के विभिन्न अंगों के काम के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। और ये जो थायराइड ग्लैंड होती है, कभी कभी इसके अंदर लिम्फोसाइट्स आ जाती हैं। लिम्फोसाइट्स जो है हमारे रक्त के अंदर पाए जाने वाली कोशिकाएं हैं, जिनका काम होता है शरीर के अंदर बाहर से आने वाले किसी भी तत्व के खिलाफ लड़ाई करना। कोई भी फॉरेन बॉडी अगर हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती है तो उसको शरीर में से बाहर निकालना, ये लिम्फोसाइट्स का काम होता है। कभी कभी लिम्फोसाइट्स बाय मिस्टेक जो थायराइड का टिश्यू होता है उसको फॉरेन एलिमेंट समझने लग जाती हैं और उसके खिलाफ एक जिहाद छेड़ देती हैं, उसके खिलाफ एक एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देती हैं, जिसको हम बोलते हैं एंटीथायराइड एंटीबॉडीज़। और ये एंटीथायराइड एंटीबॉडीज़ जो है धीरे धीरे थायराइड ग्लैंड को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती हैं और उससे कुछ मरीजों में ये थायराइड का जो लेवल है, जो थायराइड हार्मोन्स का लेवल है, ये साल दर साल कम होता चला जाता है और इस तरह के पेशेंट्स जो है हाइपोथायराइड स्टेट में चले जाते हैं। अब प्रश्न ये है कि ये जो महिला हैं इनको जो है एंटीथायराइड एंटीबॉडीज़ का लेवल बहुत हाई है। नॉर्मली जो है एंटीथायराइड एंटीबॉडीज़ का लेवल अगर 35 से नीचे है तो हम उसको नॉर्मल मानते हैं, लेकिन इनके अंदर जो लेवल है वो 1300 से भी ऊंचा है। अगर 1300 से भी ज़्यादा लिखा गया है, इसका मतलब ये है कि जो लेबॉर्ट्री की मशीन है वो 1300 से ज़्यादा लेवल की एंटीबॉडीज़ को, यानी कि 1400-1500 डिटेक्ट नहीं कर सकती और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो 1300 हैं या 1400 हैं। अब हमें सोचना ये है कि इसका हमें क्या करना चाहिए। समझने की बात यह है कि एंटीथायरॉयड एंटीबॉडीज़ जो है वो लगभग 10-12% लोगों में नॉर्मली भी पाई जाती हैं। और दूसरी समझने की बात यह है कि एंटीथायरॉयड एंटीबॉडीज़ थायराइड के अलावा शरीर के किसी भी अंग के ऊपर कोई बुरा प्रभाव नहीं डालती और सभी लोगों में ये थायराइड के ऊपर भी बुरा प्रभाव नहीं डालती, अतः इनके बारे में ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ एंटीथायरॉयड एंटीबॉडीज़ ये बताती हैं कि अगर थायराइड खराब होने लगी है और TSH का लेवल 10 से ज़्यादा है तो इस तरह के मरीजों को जो एंटीथायराइड की जो दवाई है, यानी कि जो थायरॉक्सिन है, वो उनको लाइफ लॉन्ग लेना पड़ेगा। इसके अलावा एंटीथायराइड एंटीबॉडीज़ का कोई प्रभाव शरीर के ऊपर नहीं पड़ता है, अतः इनके बारे में चिंता करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। कभी भी किसी लेडी की या पुरुष की जो एंटीथायराइड एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव मिलती हैं तो साथ में T3, T4 और TSH लेवल्स भी चेक किए जाते हैं। अगर T3 और T4 और TSH का लेवल हम विशेष तौर पे बात करेंगे, अगर 5 से कम है, एंटीथायराइड एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव हैं या निगेटिव हैं, उस पेशेंट को ट्रीटमेंट की कोई आवश्यकता नहीं है। अब दूसरे पेशेंट वो आते हैं जिनके अंदर TSH का लेवल 5 और 10 के बीच में है और एंटीथायराइड एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव हैं या निगेटिव हैं। एंटीथायराइड एंटीबॉडीज़ के पॉजिटिव या निगेटिव होने से ट्रीटमेंट के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ट्रीटमेंट केवल जभी दिया जाना चाहिए जबकि पेशेंट को कुछ सिम्टम्स हों और ये डॉक्टर को लगे कि ये सिम्टम्स
थायराइड की दवाई देने से ठीक हो सकते हैं। आप क्या सिम्टम्स होते हैं, मान लीजिए किसी के बाल गिर रहे हैं, किसी को ठंड बहुत लगती है, किसी का वेट गेन हो रहा है, किसी को कोर्सनेस ऑफ स्किन यानी कि स्किन जो है रफ होने लगी है, बहुत एंग्जाइटी रहती है, घबराहट रहती है, कॉन्स्टिपेशन रहने लगी है, महिलाओं को महीना ज़्यादा आने लगा है, या कोई प्रेगनेंस लेडी प्रेग्नेंट होना चाहती है वो बच्चा कंसीव नहीं कर पा रही है, या प्रेगनेंसी होती है और बार बार बच्चा गिर जाता है, या महीना बहुत बार बार आने लगा है, ये सिम्टम्स जो है वो थायराइड के सिम्टम्स होते हैं। लेकिन ये सिम्टम्स किसी और वजह से भी हो सकते हैं। अतः अगर इस प्रकार के सिम्टम्स हैं तो इस तरह के मरीजों को एंटी थायराइड एंटीबॉडी पॉजिटिव है या नहीं है, इनको थायरोक्सिन स्टार्ट किया जाता है और बहुत लो डोज में स्टार्ट किया जाता है। कुल 25 माइक्रोग्राम हम प्रारंभ करते हैं और ये देखते हैं कि क्या TSH का लेवल नॉर्मल आ गया। अगर TSH का नॉर्मल लेवल नॉर्मल आ जाता है 5-6 महीने के अंदर, तो जो है थायरोक्सिन के डोज को हम आधा कर देते हैं और इस तरह के पेशेंट्स को फॉलो करते हैं। लेकिन अगर पेशेंट की एंटी थायराइड एंटीबॉडीज पॉजिटिव आई हैं और उसका TSH 5 और 10 के बीच में और साथ में उसको सिम्टम्स भी हैं, तो ये बहुत अधिक संभावना है कि इस तरह के पेशेंट्स को लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। अब कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिनको एंटी थायराइड एंटीबॉडीज पॉजिटिव होती हैं और उनका TSH जो है 15 से ज़्यादा होता है। अगर इस तरह के पेशेंट्स हैं तो उनको जो है ट्रीटमेंट की आवश्यकता लाइफ लॉन्ग पड़ेगी, उनको थायराइड रिप्लेसमेंट थेरेपी लेनी पड़ेगी। अब बात करते हैं कुछ ऐसे पेशेंट्स की जिनके अंदर जो है एंटी थायराइड एंटीबॉडीज पॉजिटिव हैं और उनका कोई ट्रीटमेंट नहीं किया गया क्योंकि उनके अंदर कोई सिम्टम्स नहीं थे। अब अगर इस तरह के पेशेंट्स के अंदर ये देखा गया कि अगर इनको इस तरह छोड़ दिया जाता है तो ये पेशेंट्स नॉर्मल स्थिति की तरफ जा सकते हैं, यानी कि इनका TSH जो है वो 5 और 10 के बीच में से हट करके 5 से कम पहुंच सकता है, या इनका TSH इतना ही रह सकता है, या इनका TSH जो है 10 से ज़्यादा पहुंच सकता है, यानी कि ये ओवर थायराइड की स्थिति में पहुंच सकते हैं। ये देखा गया कि जिन लोगों की एंटी थायराइड एंटीबॉडीज पॉजिटिव होती हैं इनमें से लगभग 5% लोग हर साल जो है वो हाइपोथायराइड स्टेटस में चले जाते हैं और उनको लंबे टाइम तक ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ती है। और ये जो स्थिति होती है जिसके अंदर जो TSH जो है 5 और 10 के बीच में होता है, इसको हम बोलते हैं सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म या बॉर्डर लाइन हाइपोथायराइडिज्म। और अगर इनके जो थायराइड एंटीबॉडीज होती हैं वो थायराइड ग्लैंड को थोड़ा थोड़ा नुकसान पहुँचाते रहती हैं और हर 2-3-4 महीने में 6 महीने में जब इनका हम TSH लेवल करते हैं वो धीरे धीरे बढ़ता रहता है और ये पेशेंट जो है एंटी थायराइड एंटीबॉडीज़ के चलते जो है ओवर हाइपोथायराइडिज्म में चले जाते हैं। एंटी थायराइड एंटीबॉडीज़ के बारे में समझने की आवश्यकता ये है कि जो लोग एंटी थायराइड जो हाशिमोटोज़ थायराइडाइटिस से पीड़ित हैं उनके अंदर जो है लगभग ये 90% केसेज में पॉजिटिव पाई जाती हैं, और बॉडी के अंदर अगर ऑटोमिन डिसऑर्डर्स हैं उनके अंदर भी ये जो है पॉजिटिव पाई जा सकती हैं। महिलाओं के अंदर सिंपल प्रेगनेंसी के अंदर भी ये 14% लोगों में पॉजिटिव पाई जा सकती हैं। जिसके घर में किसी को हाशिमोटो थायराइडाइटिस है, हाइपोथायराइडिज्म है, उनके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स को 50% केसेस के अंदर ये पॉजिटिव पाई जा सकती है। अतः इनसे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ज़्यादा आवश्यकता इस बात की है कि अगर सिम्टम्स हैं तो उसका ट्रीटमेंट किया जाए। अगर किसी महिला को प्रेगनेंसी है और एंटी थायराइड एंटीबॉडीज पॉजिटिव हैं और TSH नॉर्मल है, देखिए प्रेगनेंसी के अंदर जो TSH का लेवल हम लेके चलते हैं वो 2.5 लेके चलते हैं, 5 नहीं लेके चलते। अगर उनका जो TSH है वो नॉर्मल है प्रेगनेंसी के हिसाब से तो भी उनको ट्रीटमेंट देने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर एंटी थायराइड एंटीबॉडीज पॉजिटिव हैं या नहीं हैं लेकिन TSH 2.5 से ज़्यादा है या 2.5 है तो उनको थायराइड रिप्लेसमेंट थेरेपी लेनी पड़ेगी, क्योंकि अगर थायराइड रिप्लेसमेंट थेरेपी नहीं ली जाती है तो इनके बच्चे के डेवलपमेंट के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। अतः आप एंटी थायराइड एंटीबॉडीज के लेवल से चिंता ना करें। अगर किसी महिला को या पुरुष को एंटी थायराइड एंटीबॉडीज एक बार पॉजिटिव आ जाती हैं तो इसको बार बार टेस्ट करा कर ये प्रयास जानने का प्रयास ना करें कि क्या उसका एंटी थायराइड एंटीबॉडीज का लेवल कम हुआ या नहीं हुआ। ये थोड़ा बहुत अपने आप फ्लक्चुएट करेगा पर यह नेगेटिव नहीं आएगा और ये कोई शरीर में नुकसान नहीं पहुँचाने वाला
और अगर आप थायराइड रिप्लेसमेंट थेरेपी थायरॉक्सिन ले भी रहे हैं तो भी ये एंटी थायराइड एंटीबॉडीज का लेवल्स कम नहीं होने वाला है। क्या इन एंटी थायराइड एंटीबॉडीज का लेवल को हम कम कर सकते हैं किसी दवाई के द्वारा? जी हाँ, कर सकते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड जैसी दवाइयाँ हैं जिनके द्वारा इनका लेवल कम किया जा सकता है, लेकिन कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के अपने साइड इफेक्ट्स हैं, वो ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं, डायबिटीज हो सकती है, मरीजों का वेट गेन हो सकता है, मसल्स कमज़ोर हो सकती हैं, और एंटीथायराइड एंटीबॉडीज अगर कम भी हो जाएंगी तो इन सबको कम होने से कोई उनको विशेष लाभ नहीं होने वाला, बल्कि उनको कॉर्टिकोस्टेरॉइड के साइड इफेक्ट्स और झेलने पड़ेंगे। अतः इस प्रकार का कॉर्टिकोस्टेरॉइड ट्रीटमेंट जो है वो देने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। हम आपको बार बार इस बात से आगाह करना चाहते हैं कि एंटीथायराइड एंटीबॉडीज के लेवल को लेकर कोई किसी प्रकार की चिंता ना करें और इस टेस्ट को बार बार करने की आवश्यकता नहीं है। मैं समझता हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आपको कुछ जानकारी मिली होगी और आपको एंटीथायराइड एंटीबॉडीज के बारे में जो भ्रांतियाँ हैं वो दूर हुई होंगी। एक विशेष बात हम और बताना आपको चाहते हैं कि एंटीथायराइड एंटीबॉडीज का लेवल कम या ज़्यादा करने के लिए आपको कोई विशेष परहेज करने की आवश्यकता नहीं है और विशेष चीज़ें छोड़ने से आपका लेवल कोई कम नहीं होने वाला। हम आपसे आशा करते हैं कि आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक मित्रों के बीच में इसको शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इनका लाभ उठा सकें। थैंक यू वेरी मच।